छत्तीसगढ़ में हरेली के अवसर पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर सियासत देखने को मिली है। सीएम हाउस में पारंपरिक अंदाज में हरेली का त्योहार मनाया गया। बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में हरेली त्योहार मनाया गया और इसी के साथ दोनों दल आमने सामने नजर आए। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर कांग्रेस और भाजपा पिछले चार सालों से आमने सामने हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पारंपरिक अंदाज में सोमवार को हरेली का त्योहार मनाया। सीएम हाउस के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए गए। सीएम हाउस को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया और वहां छत्तीसगढ़ी नर्तकों और लोक कलाकारों ने मेले जैसा माहौल बना दिया। सीएम भी पारंपरिक अंदाज में गेड़ी चढ़ते और रैचुली का मजा लेती नजर आए। गौ माता का पूजन कर उन्होंने पारंपरिक खिचड़ी खिलाई। दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में भी हरेली की धूम नजर आई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कृषि यंत्रों और गौ माता की पूजा की और वो गेड़ी चढ़ते हुए भी नजर आए। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी हरा वस्त्र पहनकर हरेली सेलिब्रेट किया। हालांकि इस त्योहार के जश्न के बहाने कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते भी नजर आए। अमित शाह जी आए थे, हरेली जी आए थे, वो लोग भी गौ माता को लोधी खिलाने का काम उन्होंने किया था, नकल कर रहे हैं हमारे। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा कि समृद्ध है, हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीते चार सालों में अपने किए कामों और छत्तीसगढ़ी अस्मिता के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन अब भाजपा भी कांग्रेस की सी नाव पर सवार होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को संस्कृति पर हो रही सियासत का लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन भाजपा भी अब कांग्रेस की पिच पर आकर खेलने की कोशिश कर रही है और इसे भी पार्टी अपनी बड़ी सफलता मान रही है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।